रमेश रेवारी मामले में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। सतीश गजराज का भी बयान आया सामने। गाली गलौज मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में काम में ली गए वाहन को भी जब्त किया गया है। बुहाना थाना क्षेत्र में गाली गलौज मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ घटना में काम में ली गई वाहन को भी जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो प्राप्त रिपोर्ट है उसके अनुसार आरोपी वाहिद खान ने शिकायतकर्ता के घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। जब शिकायतकर्ता के पति ने मोटरसाइकिल हटाने को कहा तो वाहिद खान और उसके साथी जिनमें उनका भतीजा और अन्य दो तीन लोग शामिल थे गाड़ी में सवार होकर पहुंचे और शिकायतकर्ता के पति के साथ आम सड़क पर मारपीट की। जब शिकायतकर्ता ने अपने पति को छुटाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद आरोपियों ने एक अन्य दिन शिकायतकर्ता के पति पर दोबारा जान से मारने की नीयत से हमला किया। घटना की शिकायत पर थाना बुहाना में मामला दर्ज कर लिया गया और अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान बयान लिए गए और घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। जांच के आधार पर आरोपी सलीम खान उर्फ वाहिद खान, शाहिद, संदीप और मस्जिद खान को गिरफ्तार किया गया है। घटना में काम में लिए गए वाहन को भी जब्त किया गया है। आइए जानते हैं सतीश गजराज जो भाजपा नेता है उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को लेकर आंदोलन किया था। रमेश रेबारी का जो मामला रहा है उसमें जो युवा नेता है भाजपा के सतीश गजराज, उन्होंने लगातार इस बात को उठाया था। हमारे साथ फोन लाइन पर सतीश जी जुड़ चुके हैं। गजराज जी, सतीश जी, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, चार गिरफ्तारी की है रमेश रेवारी के मामले में, क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई से अब संतुष्ट हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसमें हम सब लोगों का तो ये मांग थी कि इन लोगों को 302 के अंदर हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना है, पर पुलिस ने जो मैनुअल में उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस तरीके से हो गया, तभी एफएसएल की रिपोर्ट तक हम 302 में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी एक एफआईआर जब दोबारा झुंझुनू वाहना बंद हुआ था उस समय करवाई, जिसमें उनके मारपीट करने और जो जो चोटें उनके थी उन ऑफेंस के अंदर इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आज जेल न्यायालय ने उनको जेल भेजा है उन आरोपियों को। तो हम लोग इसमें प्रथम दृष्टि में संतुष्ट हैं कि उस दिवंगत आत्मा को न्याय के लिए पहला कदम बढ़ा है। मैं बुहाना के सब लोग और हम सब लोग इसमें भी तत्पर हैं कि किसी भी प्रकार से एफएसएल में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और अगर वो लड़का इनकी मारपीट से मरा है तो वो 302 के अंदर अंदर जाए, इसके लिए हम लोग पूरा वॉच आउट भी रखेंगे और न्यायालय के अंदर हमारा पक्ष भी मजबूती से हमारे वकील के साथ रखेंगे। अभी जो सतीश जी गिरफ्तारी हुई है वो किन धाराओं में, जो आप मांग कर रहे थे उन्हीं धाराओं में गिरफ्तारी हुई है? हाँ बिल्कुल, जो उनके साथ मारपीट हुई है उसमें उनके घर के अंदर घुसना, उनके साथ मारपीट करना, उनकी धर्मपत्नी को कुछ बोलना, ये सारी जो एफआईआर के अंदर ऑफेंस थे उन सारे ऑफेंस के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई, इसीलिए आज वो जेल गए हैं। और हम सब लोग बुहाना के सब लोग, 36 कौम के जो लोग हैं, वो सारे के सारे इस बात में भी हैं कि इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। और पुलिस को हमने जो जांच के लिए बोला हुआ है कि जो जो लोग बाहर से आके बसे हुए हैं उसकी भी अभी 15 दिन का समय था, तो वो समय पूरा हो रहा है, तो उसके लिए भी लोग दोबारा से मिल करके कि बुहाना में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। पुलिस ने प्रथम दृष्टि में जो भी काम किया है हम उसकी सराहना भी करते हैं और ये अपेक्षा भी रखते हैं कि पुलिस मुस्तैदी के साथ इस इलाके के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखे। धन्यवाद। 3 पिकअप गाड़ी व एक टाटा 407 से हरी गीली लकड़ी पकड़ी। उप वन रक्षक झुंझुनू बीएल नेहरा के आदेशानुसार रेंजर अमित सेनी, रेंजर सुमन कुमारी के निर्देशन में रेंज झुंझुनू व रेंज चिड़ावा की संयुक्त कार्रवाई की गई है। उसमें 3 पिकअप गाड़ी व एक टाटा 407, कुल 4 गाड़ियां जब्त की गई है। उक्त चारों गाड़ियां हरियाणा में हरी गीली लकड़ियों का परिवहन करते हुए जब्त की गई है। अनुमानित वजन 120 क्विंटल हरी लकड़ियां जब्त की गई है। परविंदर पुत्र रामजस निवासी महरमपुर, महिपाल पुत्र हरपुर निवासी पदमपुर, राहुल पुत्र धनसिंह निवासी पदमपुरा, विकास पुत्र नानड़ राम निवासी उदयपुर वाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
धनुरी थाना क्षेत्र में माँ बेटे के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, गांव का युवक निकला मास्टरमाइंड। धनुरी थाना क्षेत्र के हमीरी कला गांव में करीब सवा महीने पहले हुए माँ बेटे के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्या का मास्टरमाइंड गांव का ही एक युवक निकला। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने इस मामले में आरोपी पवन कुमार झाझड़िया पुत्र समंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि आरोपी पवन कुमार ने मुखबिर के शक में मां बेटे की हत्या कर दी। पवन कुमार पर पहले से चोरी का एक मामला दर्ज था और वह गांव में ही रहता था, खेती बाड़ी का काम करता था। इस जघन्य अपराध का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। 22 जुलाई 2024 को हमीरी कला गांव में एक ई मित्र की दुकान पर चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार किया। पवन को शक था कि मां बेटे ने उसकी मुखबिरी की थी। जेल से छूटने के बाद बदला लेने के इरादे से पवन ने धारदार हथियार से 13 अगस्त की सुबह माया देवी, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, और उनके बेटे अजय, जिसकी उम्र 25 थी, उसकी हत्या कर दी। 13 अगस्त की सुबह हमीरी कला गांव की निवासी माया देवी और उनका बेटा अजय अपने घर में अचेत अवस्था में मिले। सिर पर और हाथों पर चोट के गंभीर निशान थे और घर के आंगन में खून बिखरा हुआ था। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने जब घर में खून बहता देखा, तब जाकर इस दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को और मृतकों के परिजनों को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर अजय की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि माया देवी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पवन और मृतक परिवार के बीच पहले से ही जान पहचान थी, एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन चोरी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद से ही पवन, माया देवी और अजय में दुश्मनी बढ़ गई और दुश्मनी एक दूसरे से रखने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने अपनी तत्परता से मामले का खुलासा कर दिया है, जिसके लिए एसपी शरद चौधरी ने 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है।